Assalamualaikum, welcome to my KG family daily vlog series. I hope आप सब ठीक होंगे. Well, आज है 12 अगस्त जुम्मे का दिन और हमारे घर मामूल है कि जुम्मे को सुबह में ही ऑयलिंग कर लेते हैं. नहाते तो ऑब्वियसली और भी दिनों में है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ज़रा ऑयलिंग करके नहाते हैं. तो बचपन से ही आज तक जो है यही रूटीन है और वही अपने बच्चों को भी करते हैं जो मेरी अम्मी करती थी. उनको तो होता था कि सब काम छोड़ो और मुझे जो है ना ऑयलिंग कर दो. अगर किसी ने एक दफ़ा मैंने ही सुना तो वो खुद से ऑयलिंग जो थी ना वो शुरू कर देती थी. और इवन उनको होता था कि पाँव वगैरह पर भी जो है ना वो ऑयलिंग वगैरह करती थी. खैर तो जी, मैंने सोचा कि मैं भी खुद पर कैमरा कर ही दूँ. स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं. तो जी, अब जो था ना वो ऑयलिंग करवा ली और सबको कर भी दी, बच्चों को भी. और अब ये है कि जी, बच्चों के आपको पता है कि सबके डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते होते हैं, जो कि यकीन आपकी तरफ भी ऐसा ही होगा. फ़िलहाल दोनों बच्चों के लिए जो है वो मैं किचन में अभी बनाने आई हूँ फ्रेंच स्लाइस. और अगर इसमें जो है ना वो सिनेमन पाउडर भी एक चुटकी ही डाला जाए ना तो टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है. तो लेकिन अभी क्या कर रही हूँ मैं, बस सिंपली जो है ये बच्चों के लिए बना रही हूँ. और समझ नहीं आता, सबके लिए डिफरेंट चाहिए होता है. और अगर कहो के चलें आज ये खा लें तो बच्चे कहेंगे, बच्चे भी पता नहीं क्यों, ये नेचुरल एक होता है कि आप आज चाहेंगे कि बच्चों को ये बना दिया जाए तो बच्चे कहेंगे नहीं आज तो ये खाने का दिल ही नहीं कर रहा. और अगर आज आप कहें कि सिंपली एग ब्रेड ले लो तो नहीं जी हमारा तो फ्रेंच स्लाइस खाने का दिल कर रहा है. अगर किसी का फ्रेंच खा लो नहीं हमने तो एग ब्रेड खाना है. तो बस ये तो बच्चों के साथ चलता ही रहता है. और ये मैंने बड़े शानदार से जो है वो ब्रेड रेडी कर ली है. तो बस मज़ीद ये काम थे आज के कि हमने करनी है क्या, इसके बाद नाश्ता वगैरह कर लो तो सफाई वगैरह कर लो. और बच्चों को नहलाया धुलाया, बच्चे साफ़ सुथरे हुए. और फिर उनकी वही कुछ ना कुछ सारा दिन जो है बच्चों का चलता रहता है. और पढ़ाई तो इन्होंने ना ये सोचे कि स्टडी टाइम हमारे घर में वन वीक वन एंड हाफ हो चुका हुआ है, बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो रही, बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे. और मैं कह रही थी चलें ठीक है अब स्कूल जाना तो फिर से वही टफ़ रूटीन स्टार्ट हो जानी है. तो चलें कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स रहने देते हैं. लेकिन रिलैक्स रहने का क्या होता है कि माशाल्लाह पारे में आगे जा रहे हैं ना, तो फिर किसी चीज़ में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए तो अच्छा होता है. हर तरफ से बर्डन आना भी बेहतर नहीं होता, बच्चे जो हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं. और क्या होता है कि फिर वो बच्चे ना बहुत कम आपको स्माइल नज़र आती है ऐसे बच्चों पे जिन पे स्पारा का भी बर्डन, स्कूल का भी बर्डन, हर चीज़ का बर्डन, मैनर्स का भी बर्डन है जी, कि आपने ऐसे रहना है तो ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है. तो ज़रा थोड़ा सा जो है वो एक टाइम थोड़ा सा रिलैक्स भी बच्चों को करना चाहिए. तो जी बस ठीक है, ये अब इनकी मैं थोड़ी सी आपको आवाज़ें भी सुनाती हूँ कि कर क्या रही हैं ये ना. मस्तियाँ चल रही हैं, इस टाइम नहा के आई हुई हैं और स्पारे के लिए रेडी हो रही हैं. और बाद में आई थी हमारी, इसलिए बंगला बंद होया हुआ है और हमें गर्मी लग रही है. आपको भी गर्मी लग रही है क्योंकि आप सुन रहे हो ये सारा कुछ. हाँ बोलो, मैंने बंगला बंद कर दिया. आप सारे व्लॉगर कौन बनाता है? मेरी मम्मी. और ये भी एक व्लॉगर है और जो जिसने फोन पकड़ा है वही व्लॉगर किरण मार्ग के बाद है व्लॉगर. लेकिन हमारे चैनल का नाम केडी व्लॉग्स, किरण डार व्लॉग्स. आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद है जो कि ऐसे 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 बिल्कुल भी नहीं पसंद. किसी को भी ऐसी वीडियो नहीं पसंद. कर रही थी वो ऐसे ऐसे. चले जाएं हम स्पारा क्लास के लिए. ओके okay. मेरी जान अल्लाह हाफिज. तो बाय बाय फ्रेंड्स, आपको भी अल्लाह हाफिज. अच्छा जी, हमने जब स्पारा पढ़ने जाती हैं ना तो कोई तीन चार मरतबा वापस भी आती हैं. एक दफ़ा किस करके जाती हैं, फिर आती हैं, फिर हक करके जाती हैं, फिर कहती हैं मम्मी मैं आपको बहुत मिस करूंगी. तो इस तरह बहुत दफ़ा आती हैं और फिर जाती हैं और फिर कहती हैं मुझे देखें आप स्टेयर्स में और बहुत धूप है मम्मी आपको पता है आज बहुत धूप है.
मतलब किसी तरह से मम्मी कह दे कि आज परा पढ़ने ना जाएं, आमना मेरे से ही पढ़ लें। खैर जी, जब इतना अहतमाम करके नीचे जाएं तो उसी दिन छुट्टी हो जाती है। नीचे से आए थे हमें ये चनों वाले चावल, नीचे वाली भाभी ने भेजे थे, और ये मैं काफ़ी हद तक खा चुकी थी। और वो प्लेट जो मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद जी बर्तन वगैरह धोए हैं, और जो था ना वो किचन अब साफ सूफ कर लिया है, और दिन बच्चों के साथ ऐसे ही गुजर गया। और अब ये रात का टाइम है 7 बजे का, और जिस दिन हमें कुछ पकाने की समझ नहीं आ रही कि आज क्या पकाना चाहिए, क्या पकाएं, ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और जब आपका दिल नहीं कर रहा होता कि कोई शोरबे वाला सालन हो, टमाटर वाला कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा, अच्छा दालें नहीं खाने का दिल कर रहा, तो फिर कब क्या करें। तो फिर जी कुछ नहीं समझ आया, तो वैसे तो राइस बन जाते हैं, लेकिन कहा कि आज नहीं क्योंकि कंटिन्यूस चल रहे थे, तो आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं हमने। अब जब धनिया और पुदीना मंगवाया हमने हमारे से, तो उसमें वो हरी मिर्ची लेके आए, तो भाभी कहती हैं चलो इसमें ना फिलिंग कर लेते हैं। इसी दौरान जब हम ये बना रहे थे तो भाई भी आ गए घर, और भाई इनकी सारी एक्सेसरीज ले आए जो कि मुझे बहुत फजूल किस्म की लगती हैं, जिसमें ट्रम्पेट है, फ्लैग है छोटा, ग्लासेस हैं, और इनके पाउचेज आने वाले थे, जिसके लिए मैंने ने कहा था कि आप उर्दू बाज़ार से आते हुए ना इनके पाउच ले आना एक एक, और 24 कलर पेंसिल बॉक्स जो है ना अब वो ले आना, 24 पेंसिल कलर बॉक्स जो है, हाँ जी ये ले आना। तो वो लाने के साथ साथ जो था ना वो भाई छोटे फ्लैग्स और इनके ट्रम्पेट और ग्लासेस और झंडियाँ वगैरह ये ना सब ले आए। और इस पे मेरी हर साल भाई के साथ हो जाती है लड़ाई कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, और बच्चों को बताना चाहिए कि बस क्या करूं। फिर उनका अपना है जहन के वो फिर ले आते, कहते नहीं जी अच्छा। अब वो सामने घर वाले बच्चे वो इतना बजाते हैं बाजा अपना, और इतना शोर होता है ना। तो बहरहाल मैंने बच्चों से कहा कि नीचे दादू की तबीयत ठीक नहीं है, और आपने फिर बिल्कुल भी जो है वो ऐसे नहीं करना। खैर जी ये बस हमारा जो था वो गैस पे चली गई, फिर खाना रोटियां बनाते बनाते कि सिलेंडर हमें चलाना पड़ा, और कुछ बेसन में कुछ अंडा लगा के जो है थी वो टिक्कियां फ्राई की, और यही हमारा रात का खाना था। इसके अलावा ये अब्बू की मुमानी की तरफ से मैंने बताया था, जहाँ से हमें मिठाई भी आई थी नादे जी की बेटी की, और वहाँ से ये हलीम भी आई थी, तो ये अभी भी पड़ी हुई थी, इसमें इतनी बरकत पड़ी है, सिर्फ हम आदमी खाई है। और ये अब फिर जो था ना वो हम आधी लेने लगे थे, या मुझे था कि अगर आमना नहीं लेगी ना, सॉरी आमना टिक्कियाँ नहीं खाती, वो स्पाइसी नहीं खाती है, तो चलो वो दाल के साथ रोटी खा लेगी, लेकिन उसने नहीं खाया, और आमना के लिए रात में दही पराठा बनाया। खैर जी अब मैं, बच्चे सो गए हैं और खाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को देनी नहीं थी, उनके गले ख़राब हैं, और मैं खाने लगी हूँ कॉर्नेटो इस टाइम। और आपका वीडियो पे आने का, यहाँ तक ठहरने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफ़िज़।